दसवां क्वेश्चन जो कि उन सबसे अलग है। उन सब किससे अलग होने का मेन रीजन है कि दोस्तों ये जो है नॉर्मल नहीं है, ये देवनागरी में लिखा गया है, ठीक है। और देवनागरी आप में से बहुत से बच्चों को नहीं आती हुई, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और जीरो। देवनागरी में एक को कुछ ऐसे बनाते हैं, दो को लगभग दो ही, तीन को लगभग दो लेकिन नीचे से थोड़ा घुमा के, चार को आठ लेकिन ऊपर से थोड़ा गायब, पाँच के लिए वाई बनेगा नीचे की साइड, छः के लिए उल्टा तीन, सात के लिए दोस्तों कुछ यूँ, आठ के लिए, नौ के लिए छः बना के उसको बीच में से कट करना है, और जीरो के लिए दोस्तों जीरो। इस सब से यहाँ देखोगे तो दोस्तों ये जो है पहले फर्स्ट जो है आपका, ये है दोस्तों आपका आठ, आठ और चार, ये चार है दोस्तों, तो आठ और चार दोस्तों 12, 12 का दो दो आपको लिखना है दोस्तों, सॉरी आठ, 9, 10, 11, 12, 12 का दो दोस्तों यहाँ पे नीचे दो के लिए हम लिखेंगे दो और यहाँ आ जाएगा एक, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने लिख दिया एक रोम उसमें देवनागरी में एक, और ये है दोस्तों छः, एक और छः सात, सात और ये हो गया दोस्तों आपका पाँच, सात और पाँच दोस्तों 7 और 5 12, 12 को आप वापस यहाँ पे लिखोगे आप दो, यहाँ पे देवनागरी में एक, ये है आपका पाँच, यह है आपका एक, पाँच और एक छः, छः और तीन दोस्तों नौ, नौ के लिए आपको ये, और ये आपका चार और ये आपका दो, और चार और दो दोस्तों छः, तो ये हो गया आपकी पहले आंसर। अब दूसरा वाला करते हैं दोस्तों, दूसरे वाले में यहाँ जो लिखा गया, यहाँ लिखा गया दोस्तों सात और ये जो है वो है एक, सात और एक दोस्तों हो गया आपका आठ, आठ के लिए कुछ यूँ, ये है आपका पाँच और ये है आपका छः, पाँच और छः दोस्तों हो जाएंगे आपके 11, 11 का एक, 11 का एक एक के लिखेंगे ये ऊपर गया एक, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक तीन और एक चार, तीन और एक चार और ये दोस्तों हो गया आपका आठ, आठ और चार दोस्तों 12, 12 का इधर दो, इधर हासिल एक, ये एक और दो तीन, तीन और जो चार दोस्तों वो हो गया आपके तीन छः एक सात, तो ये सात के लिए दोस्तों ये आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीन और छः नौ, नौ के लिए दोस्तों ये आपका दो और सात, सात और दो नौ दोस्तों नौ, ये हो जाएगा आपका छः और ये छः और ये आठ, छः और आठ, छः और आठ जब आप ऐड करोगे, छः और आठ 14, 14 के लिए आपके हो जाएगा इधर चार और इधर हो जाएगा आपका एक, तो एक आठ और एक दोस्तों 8, 9 और 10, तो 10 के लिए हो जाएगा आपको ये, जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ है आपका सात और ये दो, आठ नौ, नौ के लिए दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ है आपके पास पाँच और यहाँ है आपके पास एक, पाँच और एक छः दोस्तों, छः के लिए सिंपली ये हो जाएगा, यह है आपका चार, यह और ये है आपका आठ, चार और आठ, चार और आठ आपके हो जाएंगे दोस्तों 12, 12 का दो हासिल एक, तीन और एक चार, चार और चार दोस्तों आठ, जी बिल्कुल। तो ये कुछ ये अपन करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि घटाओ है, ठीक है दोस्तों। इसमें ध्यान रखिएगा ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ है आपका आठ और ये लिखा गया आपका पाँच, तो आठ में से पाँच जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं दोस्तों, आठ में से पाँच जाएंगे तो बचेंगे कितने, 6, 7, 8, तीन, तीन के लिए कुछ यू आएगा दोस्तों, ये लिखा गया आपका तीन, ये लिखा गया आपका छः, तीन में से छः
नहीं जा सकता दोस्तों, इसलिए इससे क्या लेंगे, कैरी, और खुद क्या हो जाएंगे, एक तीन तहरे, और ये हो जाएंगे आपके पाँच, पाँच के लिए ये 13, 13 में से 6 गए तो दोस्तों 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 7 के लिए दोस्तों कुछ किया जाएगा, और ये है दोस्तों आपका 5, 5 में से 8 नहीं जा सकते दोस्तों, तो ये पास वाले से लेंगे, पाँच वाला खुद एक है, इसलिए इसके पास ओनली 0 रह जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से दोस्तों 8 जाएंगे तो बचे कितने, 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे दोस्तों, सॉरी 15 में से 8 गए तो दोस्तों अब क्या आ जाएंगे, 7, 7 के लिए आ जाएगा आपका ये। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपके लिखा गया है 4, यहाँ है 6, 4 में से 4, 6 जा नहीं सकते, इसलिए यहाँ से ये क्या लेंगे, कैरी, और ये खुद क्या हो गए, 14 दोस्तों, 14, अब 14 में से जब 6 जाएगा, यानी 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 14 में से 6 जाएगा तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8, 8 दोस्तों, 8 के लिए ये आ जाएगा, यहाँ क्या बचा दोस्तों, एक, दो था, दो में से ही गया तो एक बचा, एक में से ही गया तो दोस्तों 0, यहाँ क्या है दोस्तों, 3, 3 में से क्या माइनस करना है अपन को, 8, यहाँ पे अगर आप इसको देखते रहेंगे और इसको दोनों को करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 3, 3 में से क्या माइनस हो रहा है दोस्तों, 8, जो नहीं हो नहीं सकता, तो ये क्या लेगा पास वाले से एक हासिल, खुद क्या बन जाएगा दोस्तों, 13, और ये आपके बन जाएगा 5, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, 13 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 5, 5 दोस्तों, तो 5 के लिए आपके आ जाएगा ये, और 5 में से 5 गए तो 0, तो ये आपका सही आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी माइनस का ही है कि 2 में से अगर 6 माइनस होंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 में से 6 किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में माइनस नहीं हो सकते, तो ये पास वाले से क्या लेगा, एक हासिल, हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा ये 12, 12 में से 6 जाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा दोस्तों, 6 भी 6 ही आएंगे, यहाँ हो गया आपके 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ मैं जो भी संख्या है लिख रहा हूँ इसको देख देख के लिख रहा हूँ, और आपको भी इसको देख देख के साइड में पेंसिल से लिख के इसमें से देख देख के ही करनी है दोस्तों, 5 में से 8 जा नहीं सकते दोस्तों, 5 में से 8 जा नहीं सकते, तो ये क्या लेगा पास वाले से एक हासिल, तो कितना हो गया 15, 15, 15 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 दोस्तों, तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, 7, 7 के लिए दोस्तों ये, यहाँ क्या बचा दोस्तों, 5 था, 1 दे दिया तो 4, 4 में से 4 गया तो दोस्तों 0, 3 में से 2 गया तो 1, ये आपका दूसरे वाले का छठे का आंसर दोस्तों, सो सातवें का। अब अपना अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है कि अगर 6 में से 7 जाए तो कितना बचाएगा दोस्तों, 6 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं, तो ये पास वाले से क्या लेगा, एक हासिल, और क्या बन गया ये 16, 16 में से अगर मैं 7 भेजूँ तो कितने बचाएंगे दोस्तों, 9, तो 9 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, 9, यहाँ क्या बचा, पहले यहाँ पे था 8, लेकिन एच लगेगा तो क्या बचा, यहाँ पे 7, 7 में से 8 जा नहीं सकता, तो ये भी क्या लेगा, एक हासिल दोस्तों, और ये खुद जो 9 था अब क्या बन गया, 8, तो ये जो है 17, 17 में से अगर मैं बात करूँ 8 माइनस करने की तो कितने बचेंगे दोस्तों, आप माइनस करके देख लीजिएगा, 9 बचेंगे, अब यहाँ जो था 9 था अब, लेकिन अब हो गया 8, 8 में से 0 जाएगा दोस्तों, 8 ही बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये स्टार्टिंग के प्रारंभ के कुछ जोड़ घटाव थे जो अपन ने किए। अब अगले अपने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों उनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं, जो अपना क्वेश्चन था वो ये है कि श्याम बाजार से एक अलमारी इतने रुपए में तथा एक पलंग इतने में लेके आया, बताइए उसने कुल यहाँ पे एक बार कुल कितना खर्च हुआ, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा, मतलब आप खुद पे लेके देखिए, आप आ जा गए, आपने एक अलमारी इतने में खरीदी और एक पलंग कुछ रुपए में खरीदा, तो आपने कितने रुपए खर्च किए, तो आप अगर खुद पे लेके देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे आपको सिंपली ऐड करना है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे
उत्तर 11 है, अलमारी खरीदी, अलमारी खरीदी। कितने हैं दोस्तों? 6, 5, 8, 0। और पलंग? खरीदा। कितने में दोस्तों? 2, 6, 2, 2, 6, 2, 2, 6, 2। और दोस्तों ये है 4 दोस्तों, यहाँ के आपके 4। अब यहाँ क्या लिखना है आपको? कुल खर्च लिख के दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, साधारणतः इसको जोड़ देना है। जियो में से ज़्यादा अगर आप जोड़ोगे तो आपके क्या आएगा दोस्तों? 4। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को जोड़ के, ये है आपका 8, ये आपका 2, तो 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल की 1, 5, 6 और 6 और 6 12, 12 का 2 दोस्तों हासिल गई 1, 6 और 1 7 8 9, ये क्या है दोस्तों? 6। 6 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 8, 9। तो 9 के लिए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये जो कि इसका सही आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमा ने मेज इतने में खरीदी तथा राधा ने मेज इतने में खरीदी, तो बताइए दोनों की मेज के मूल्य में कितना अंतर है? मतलब आपके मित्र ने एक साइकिल खरीदी और आपने साइकिल खरीदी, दोनों में से दोनों में क्या अंतर है? मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे? घटाओ दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर 12 है, रमा ने मेज खरीदी, रमा ने मेज खरीदी बोल के यहाँ पे 3, 4, 5, 0। और राधा, राधा ने मेज खरीदी बोल के 0। और आपको क्या करना है दोनों में? अंतर निकालना है, तो यहाँ लिख दिया आपने अंतर और यहाँ पे आ जाएगा ये दोस्तों, जियो में से जियो गया तो 0। ये है 5, 5 में 6 जा सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं। तो यहाँ से इसने क्या लिया, एक कैरी लिया, तो ये हो गया 15। 15 में से अगर 6 जाएंगे दोस्तों तो बचेंगे 9, तो ये हो गया आपका 9। और यहाँ क्या था पहले? 4 था दोस्तों, अब क्या हो गया? 3। 3 में से 9 जा नहीं सकते, तो इसने क्या लिया, एक हासिल। अगर बात करो 13 में से 9 माइनस करने की, तो 13 में से 9 जाएंगे तो क्या कितना बचेगा दोस्तों? 13 में से 9 जाएंगे तो 10, 11, 12, 13, यानी कि 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों? 4। और यहाँ 3 थे, अब कितने बचे? 2, और 2 में से 2 गया तो 0। तो जो इन दोनों की मूल्य का अंतर था वो इतना था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल। ठीक है, उत्तर 13। लिखने का तरीका दोस्तों, 4 अंकों की सब से बड़ी संख्या इक्वल्स टू 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताया 9999 होगी, तो 9999। अभी ये सारे 6 6 थे, अभी हो गए 9। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगी आपके दोस्तों 1000। 1000। अब आपको क्या करना है, इसका योगफल दोस्तों। तो योगफल में 9 और 0 9 ही होगा दोस्तों। 9 और 0 9, 9 और 0 का योग 9 होगा, और 9 और 1 दोस्तों हो जाएंगे आपके 10। 10 के लिए यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1। तो ये आ गया आपका योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूसरे एक्सरसाइज का, कि एक परीक्षा में इतने छात्र सम्मिलित हुए, इनमें से इतने छात्र उत्तीर्ण हुए, इतने अनुत्तीर्ण हुए। मतलब एक परीक्षा में मान लो कि कुछ 20 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें से 10 पास हुए, तो कितने हुए दोस्तों, 10 फेल हुए। इसमें आपने क्या किया, गुणाव किया, घटाव किया, सॉरी। तो घटाव यहाँ पे भी आपको क्या करना है, घटाव। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले आप लिखेंगे उत्तर संख्या, जो सबसे पहले छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, 6, 4। और उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण छात्र बराबर 1, 9 और 4। आपको घटाव करना है, घटाव करने से क्या आएगा दोस्तों, अनुत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र दोस्तों। अगर 4 में से 4 का जाएगा दोस्तों, तो बचेगा 0 दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये है आपके लिखा गया 6, ये लिखा गया 9। अगर 6 में से 9 जाएगा तो जा सकता है दोस्तों, नहीं जा सकता तो ये से क्या लेगा, एक हासिल, और ये हो गया 16। 16 में से 9 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों, 7। ये देख लीजिए आप, 16 में से 9 जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 गए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 दोस्तों। 7 का आ गया ये, यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि टोटल 70 विद्यार्थी हैं जो फेल हो चुके हैं। अगला देखें, अगला क्वेश्चन आपके लिखा गया है कि दो संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या मैंने इसके लिए आपको बताया था कि अगर आप ऐसे माने कि आपके जेब में आपके और आपके दोस्त के पैसे पड़े हैं, टोटल आपके पास 40 रुपये मार पड़े हैं, मान लो उसमें से अगर 10 रुपये आपके हैं तो दोस्त के कितने हुए, 30। बिल्कुल, यहाँ पे भी आपको कैसे किया आपने, घटाओ करके, तो यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, घटाओ, तो उत्तर 15। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जो दिया गया है वो है आपका 9, 7, 3, 2। बात करते हैं पहली संख्या की, तो एक संख्या दोस्तों आपको दी गई है, वो है 3, 8, 4 और 6। तो आपसे पूछी क्या गई है दोस्तों, दूसरी संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं अपन दूसरी संख्या। दूसरी संख्या के लिए आपने क्या करना है, घटाओ। 2 में से 6 की बात करूँ जाने की, तो जा सकता है कि दोस्तों, नहीं। इसमें से क्या लेगा, ये एक हासिल, और क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 6 की बचाने की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 6 का 6, ये है आपके 3। 3 ने 1 दिया तो यहाँ हो गया आपका 2। 2 में से 4 जा सकता है कि दोस्तों, नहीं। तो ये हो गया 12। 12 में से 4 जाने की बात करूँ तो 12 में से 4 जाने पर आएगा दोस्तों 8। ये हो गया आपका 8। यहाँ पे पहले 7 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 6। तो 6 के लिए लिख दिया मैंने 6। 6 में से 8 नहीं जा सकता, हासिल लिया उसने, हो गया ये 16। 16 में से 8 गया तो दोस्तों बचेगा 8, या 9 था, अब कितना हो गया दोस्तों, 8। और 8 में से 6 गया तो 8 में से थोड़ी 3 गया तो दोस्तों बचेगा आपका 5। तो ये हो गया आपका 5। तो ये वो संख्या है जो दूसरी संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 3
पर्दे सिलवाने के लिए इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है और 5 मिनट शामियाने के लिए इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो बताइए पर्दों में शामियाने में कुल कितना कपड़ा लगा, मतलब आपको इतने मीटर कपड़ा चाहिए पर्दे सिलाने के लिए और 3 पर्दे के लिए और शामियाने के लिए चाहिए इतना, और आपसे पूछा गया कुल। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनका क्या करना है, योग दोस्तों। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर 16, पर्दे में लगा कपड़ा, पर्दे में लगा कपड़ा कितना, 1, 2, 5। और शामियाने में लगा कपड़ा, शमियानों में लगा कपड़ा 2, 8, 6, कुल कपड़ा ये आ जाएगा आपका कुल कपड़ा दोस्तों। कुल कपड़े के लिए 5 और 6, 11, 11 का 1 हासिल, 1, 2 और 1, 3, 3 और 8, 11, 11 का 1 हासिल गई, 1, 1 और 1, 2, 2 और 2, 4। तो ये हो गया आपका 4। तो इतने मीटर कपड़ा आपको चाहिए होगा, नहीं लगेगा इन दोनों को योग करके। तो अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज दोस्तों खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा, अगर आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को मैथ जंक्शन। ओके, धन्यवाद दोस्तों।